गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, जरा बताएंगे आप। इंडियन फूड मैजिक कैरी मिनाटी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। आप कैरी मिनाटी को जानती हो? नाम सुना हुआ है, बहुत इतना ज्यादा देखा नहीं इनको। चले देखते हैं इनको, इसको कैरी मिनाटी की पहली वीडियो दिखाते हैं। और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी लेटेस्ट वीडियो इंडियन फूड मैजिक। चले देखते हैं कैरी मिनाटी। बहुत दिनों बाद वीडियो लाए हैं, अब कितना टाइम हो गया, 4-5 महीने तो हो गए ना, आई थिंक, है ना। लास्ट उनका Q&A आया था। चले देखते हैं इसमें क्या खास बात है। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके कैरी मिनाटी को सब्सक्राइब कर देना, सबने किया होगा मुझे पता है। चले वीडियो देखते हैं, हियर वी गो। डिस्क्लेमर। तो कैसे हैं आप लोग? भोजन के आविष्कार रुक नहीं रहे। पिज्जा बनाना तक ठीक था, लेकिन जब से मैगी, एक तो मैगी ना डिस्ट्रैक्ट की तरह है, सब बना लेते और सबको लगता उनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता। खाने का खेल बना रखा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आज हम उसी सीमा का इम्तिहान लेने वाले हैं। तो आओ यार, पालक पनीर को सलाम ठोकते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब एक सफाई कर्मचारी हलवाई को पकोड़े तलते देख बोला, साथ 2-4 दे दो, मेरे बच्चे को पोलियो है। मगर उसको क्या पता था पकोड़े के अंदर पोलियो है। ये खाने के नियम नहीं तोड़ रहे, ये बिजनेस कर रहे हैं। पकोड़े के अंदर कहता, ये पेन बेच के दिखाओ तब मानूंगा। अबे तू ये बेच के दिखा तब तुझे मानेंगे। अब चलते हैं उस पकवान पे जिसकी पिचकारी मारना एक कला है। कौन सा तोड़ पान है वो? पलंग तोड़ पान भी है, स्वागत वाला भी है। पलंग तोड़ भी है, स्वागत वाला भी है। अब कमर के दर्द वाला भी है, सेम जलन का भी है, सेम जलन का भी है। लंड पंडी खाने यार, ये भी कोई बताने की बात है। सोचो तुम दुकान पे जाओ और बोलो, खा रहे हम यहाँ पे पान। लंड ले ले। कुछ पानों को अपने पास ही रखना चाहिए, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। वाह, मोटिवेशनल पान। 20 का पान, 30 की मोटिवेशन। सोचो संदीप महेश्वरी थी मोटिवेटर, पान खाते हुए मोटिवेशन दे रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं स्टार्टअप खोलो बे मट्ठी चोर, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, इंटरनेट कुछ नहीं होगा। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास मिसाइल, और हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा मोमो। मेरा नासा से सवाल है कि ये जो मोमो के नाम पर नेपाली पराठा बना दिया है, ये विशाल चाइनीज पकवान मुंह में कैसे जाएगा? वाओ। मैदा खाने की आपको जरूरत नहीं है, मैदा को आप छोड़ दीजिए। अंदर आपको मिलेगा हाका नूडल है, चेजवान राइस है, मंचूरियन है और चिली पनीर है। अबे आविष्कारी मेंढक को जब छिलका ही उतार दिया तो काय बात का मोमो। मोमो के नाम पे चाइनीज खिचड़ी खिला रहे हैं। कल को अपनी साइकिल पर प्लेन के पहिए लगा के टिकट काटना चालू कर देंगे। गाइस, ये है इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा। इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा गोल ही नहीं है, और बाइक चलाना है, चार से ज्यादा पटाखा लग रहा है। जाएंगे बड़े बूढ़े कह गए हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करो। नहीं, जरूरी नहीं है, मेरे पास गुब्बारा है, गाड़ी के टायर में हवा भर दूं, मेरे पास चट्टी है, पैराशूट बना दूं, मेरे पास चश्मा है, चांद दिखा दूं। जाएंगा बोल के मिल्टन की बोतल दे दे मुंह में। अब चलते हैं उस लोकप्रिय पकवान पे जिसे बनाने के लिए एक बावर्ची नहीं साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए। क्या है भाई? मैगी। मैगी बनानी उतनी ही मुश्किल है जितना अंबानी के बेटे को काम मिलना। मैगी एक मैदान की तरह है जहाँ मैं बहुत कुछ खेल सकता हूँ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। लेकिन जिस दिन उस मैदान पे मैंने तैरना चालू कर दिया, उस दिन कांड मेरी शानी हो गई, झाट मेरे नोबल हो गए, अपनी नजर में तो मैं साइंटिस्ट हो गया। आओ तुम्हें कुछ साइंस प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। चौधरी की कुल्फी मैगी, राजेश की माँ के मैगी पकोड़े, राजेश के बाप के मैगी लड्डू, ओल्ड मॉम की चूची मैगी बियर, मिठ मीठी मिठाई मोटा आइसक्रीम ओरियो मैगी, और पहले नंबर पे आ रहा स्टीवन हॉकिंग का 14 मैगी मिल्क शेक। मैगी मिल्क शेक। अरे बाप रे, इतना बड़ा रिएक्शन तो ऐसे दे रहे जैसे सामने से मैगी नहीं खली आ रहा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा। 3-2-1। मुझे मैगी बिल्कुल पसंद नहीं आज कल, सपने का भाई मैं नहीं देख सकता। ये हरकतें तुम्हें साइंटिस्ट से यूरोनर बना देती हैं। प्रकृति को धोखा दिया जा रहा है, मिल्क शेक को हाथों से खा जा रहा है। आज से खाने को पी जाओ, पीने को खा जाओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ढिंचक पूजा को और मेरे को दो। अब मुझे तुम्हें एक और साइंटिस्ट से मिलवाना है, लेकिन ये मैटर मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है। ₹60 की प्लेट है ये कैरी मिनाटी मैगी। कैरी मिनाटी भाई जॉब छोड़ दो भाई।
प्लीज। अगर मैं इस दुकान के साइड में खड़ा होकर अपना शरीर बेचना चालू कर दूं तो 120 से ज्यादा मांग नहीं सकता, क्योंकि एवरेज तो 60 रुपए चल रहा है। ये डाल दिया भाई मिर्ची तो भैया कैरी में नाटी मैगी नाम कैसे पड़ा? हमारी सबसे स्पाइसीस्ट मैगी है। अच्छा, जैसे स्पाइसी हाँ जी तन बदन में आग लग जाती है, सेम कौन सा दिखता है खाने के बाद? अच्छा, मेरी वीडियो देख के तन बदन में आग लग जाती है इसलिए मिर्ची डालती। तो भैया जी सली लोनी मैगी में क्या डालते हो? बच्चन जी नहीं। यहाँ लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हैं, लेकिन एक बीमारी है जो यहाँ कितनी ही कोशिश कर लो फैलती नहीं। उस सर्वनाशक बीमारी का नाम है हाइजीन। यार क्यों दिखा रहे हैं? चावल से मुंह धोया जा रहा है। ये चाचा चौधरी के वंशज इतने चलाक हैं, इन्हें लगता है चम्मच सिर्फ खाना मंगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं ये। जब तक कढ़ाई चिकन मेरी आंखों में ना घुसाओ और नान पे लगा मक्खन मेरी कोनी से ना टपक रहा हो तब तक मजे ही नहीं आते। ये बिन सूट का बच्चा हाथी जितना खा रहा है उससे ज्यादा गिरा रहा है। हुसैन बोल्ट के इतनी तेज पैर नहीं चलते जितना तेज इनका मुंह चलता है। ये फूड चैलेंज नहीं कुदरत को चैलेंज है। चैलेंज बोल के एक दिन जूता मत खा जाइयो। मैं कौन चाबी भर जाता है? एक तो 2 सेकंड रुकते भी नहीं है, भोसड़ी का निकलना चालू कर देंगे। हर लाइक ना ऐसा साथ रखना चाहिए कि कभी डीप कटिंग करनी पड़ी तो। अब हट गंदा। खूबसूरती देखने के बाद मन कर रहा कैरी मिनाटी मैगी में जहर खोल के खा जाऊं, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे बेहतर हथियार पहले से बन रखा है। ये अब क्या है भाई? पूरा मसाला बना रहे भैया साहब। अरे गंदा, ये कौन खाएगा? ये कर लेते हैं पहले। बर्फ पे गांड रगड़ के आइस गोला बेचा जा रहा है, नमकीन पकोड़े में पसीना इस्तेमाल किया जा रहा है और मसालेदार पानी को हाथों से बनाया जा रहा है। अबे हक दोना खाने पे कम से कम खतरा दिखाई तो देगा। ये पानी पी के दिखा दो, पेट में से ऐसा केचुआ निकलेगा डॉक्टर भी बोलेगा अरे बाबे इतना बड़ा। बस बस बस, ऐसी एक और पकचोदी देख ली तो सबके साथ उल्टी बात करोगे। अब अगर तुम लोग चाहते हो ऐसी खाने की बकचोदी पे और वीडियोस बनाई जाए तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और याद रहे ये वीडियो मजाक है, बकचोदी है, तो जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उन्हें हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी उंगलियां काबू में रखो। चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बर्फ पे अपना मुंह रगड़ना है। अबे यार बिग बॉस खत्म हो गया, अब 1 महीना लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। और लॉकअप चल रहा है ना अभी? वो नहीं देखती मैं। हेलो सनी पाजी बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हो? मैं इलोन मस्क का छोटा बोल रहा हूँ, आपको हमारे मंगल ग्रह प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। ओ वाओ, कब बिठा रहे हो रॉकेट में? उससे पहले हमें आपका IQ टेस्ट लेना होगा। बहुत लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड का CV भी याद नहीं रहता, क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद है, 753। ओके, OTP आया होगा? हाँ 4183। शुक्रिया सनी पाजी, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। गया पैसे गए सनी पाजी, मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूँ, परिवार का ध्यान रखना। सनी पाजी के पैसे गए। अमेज़न से 4 लाख की शॉपिंग किसने की है? पापा मेरी कार्ड ले लेंगे। और ये इलोन मस्क के चौधरी ने मुझे लूट लिया। यार मजा आ गया। और कैरी मिनाटी भाई, अब इस पे फूड पे वीडियो नहीं बनाना, मेरा मेरी हालत खराब हो गई। सीन देखे नहीं, मेरी हालत खराब हो गई। इनको मैगी वैसे भी नहीं पसंद, मुझे पसंद है लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। यार मजा आ गया, कैरी मिनाटी वापस आ गई है, मतलब कि दोबारा एनर्जी के साथ। और Q&A में भी उसने बताया था कि अब धमाका होने वाला है, मैं वीडियो पे वीडियो डालूंगा। अच्छा। अब एक आ ही गई आखिरकार, अच्छी बना था ना? और रोज पे अच्छे से। हाँ यार मैगी हर चीज में क्यों डाल रहे हो यार, मेरा मुंह खराब हो जाता है यार। फिर से मेरा मुंह टेस्ट खराब हो रहा है। अच्छा सोचना छोड़ दे, सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ऐसा होता है कि नहीं। मुझे होता है। वैसे मैगी अच्छी होती है लेकिन हर चीज में क्या। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा हाल